रुबीना और जैस्मिन वापस दोस्त हो गई हैं। जी हाँ, बिग बॉस के घर में लाइव फीड में दोनों ने एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दरअसल रुबीना ने शुरुआत की, रुबीना ने जैस्मिन से पूछा कि तुम जब गई थी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एफर्ट नहीं लिए, तुमसे बातचीत नहीं की, तुम्हारे पास नहीं आई। और जिस पर जैस्मिन कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं बाहर जाकर आई हूँ, मैंने सब देखा है सीरियसली, और यहाँ पर बाहर जाने के बाद मैं जब वापस आई मैंने सबसे पहले आपको हग किया है, अली को नहीं किया, और मैंने लगेज रूम में भी आकर आपसे बात की थी सामने से। इसके अलावा मैं तो आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि आप फिनाले के एकदम नज़दीक आइए, अपना काम बिल्कुल भी मत लूज कीजिए, अपना ट्रैक मत खोइएगा। इसके अलावा वो कहती हैं कि मेरे मन में ऐसी कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हम बहुत सारे इंटरव्यू करते हैं और वो इंटरव्यू में इतना कुरेद कुरेद कर पूछा जाता है ना कि हम वो बिग बॉस के लूप से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, बार बार वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। और जहाँ तक मैं तो आपके मुँह पर भी बोलती थी कि आप बहुत क्लेवर हैं टास्क में, वही बात मैं बोलती हूँ। और मैंने तो ये भी बोला है सबको कि मुझे रुबीना से नफरत नहीं है, अगर बाहर आकर उसके मन में कुछ नहीं हुआ, वो मुझे फ्रेंड बनाना चाहेगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं भी उसकी फ्रेंड बन जाऊंगी। जिस पर फिर रुबीना कहती है कि मुझे लगा तुम बाहर से आई हो तो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आई होगी या वही बैगेज के साथ आई हो। तो जैस्मिन ने कहा कि देखो जब तक फिनाले नहीं हो जाता है तब तक बाहर जाने पर आपसे बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आप उनसे चीज़ों से निकल ही नहीं सकते हो जो आपके साथ इस घर में हुआ है, जो आपकी जर्नी है। और मैं तो सब इतना कहना चाहूंगी कि जबरदस्ती जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद जो है आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल ही नहीं पाती हैं। तो रुबीना कहती है कि मुझे लगा कि जब हम पहले थे ना तूने एफर्ट लिया ना मैंने एफर्ट लिया, हम दोनों दोस्त ही नहीं बन पाए। जिस पर जैस्मिन कहती है कि देखो अब 2 हफ्ते का शो बचा है, मेरे मन में कुछ नहीं है आपके लिए और अगर बाहर आने के बाद हम ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। जहाँ तक बात है अब थोड़े ही दिन बचे हैं, बैठो हंसो खेलो और एक दूसरे के साथ जो है फन करो क्योंकि अब ये कम ही समय बचा है। तो एक बात तो तय है कि रुबीना ने जैस्मिन के पास जाकर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो जैस्मिन ने भी उनके लिए यही कहा कि मैं जो आपके मुंह पर बोलती थी कि आप गेम में क्लेवर हो, वही बात मैंने बाहर भी बोली है, लेकिन जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कुरेदते हैं तो आपके दिमाग में बार 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 आप बिग बॉस के लूप से निकल ही नहीं पाते हो। तो वो चीज़ों का जिक्र करती हुई नजर आई दोनों जो हैं, और दोनों इस बात को लेकर बात करते हुए नजर आए कि हम दोनों ने एफर्ट क्यों नहीं लिए। रुबीना ने कहा तेरे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो है एफर्ट नहीं लिया दोबारा दोस्ती करने का। जिस पर जैस्मिन ने कहा कि जो हुआ ठीक है, मेरे मन में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए।